आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बूस्ट किया जाए जिससे हेयर की कंडीशन अच्छी होने लगे, हेयर फॉल ना के बराबर हो, हेयर की थिकनेस बढ़े, डेंसिटी वाइज बहुत सारा सही हो जाए, अल्टीमेटली हेयर रिग्रोथ पॉसिबल हो जाए। टेस्टोस्टेरोन का बोला जाए तो नो डाउट ये मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हार्मोन होता है जो टू सम एक्सटेंट आइडेंटिफाई करता है मेल्स की आइडेंटिटी भी, एनहेंस करता है मसल्स बिल्डिंग में, बोन की डेंसिटी में भी एनहेंस करता है, प्लस ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मगर जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है तो कुछ साइड इफेक्ट से भी मेल्स को जूझना पड़ता है, जैसे हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस, सेक्स ड्राइव की कमी, बियर्ड ग्रोथ प्रॉपर ना हो पाना, मसल्स बिल्डिंग ना हो पाना, ओवरऑल वीकनेस हो जाना। नो डाउट इन इट 25 से 30 इयर्स के बीच में टेस्टोस्टेरोन उसके पीक में होता है, मगर जैसे जैसे 40 या अबव जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी गिरने लग जाता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल, खानपान ऐसा हो गया है, इवन टीनेजर्स का, बेसिकली टीनेजर्स का ही, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा टीनेजर्स का कम होने लगा है। इसी कारण से ही मेल्स में, टीनेजर्स में ही हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के वीडियो में भाई लोग हम लोग डिस्कस करेंगे 6 नेचुरल वेज जिससे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किया जाए। नमस्कार भाई लोग, और बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल। आजकल के टीनेजर्स जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आफ्टर 30 दिखने लग जाते हैं। सबसे पहले होता है हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, फिर कंप्लीट बाल्डनेस, प्लस हाई बीपी, किडनी डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस, प्लस श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिकल्स। बेसिकली जैसे जैसे हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं तो बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, जिसके कारण ही हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, और हेयर फॉल, हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए ही नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स होता है उनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। दो बेहतरीन नेचुरल चीज़ें जो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाती हैं वो हैं शिलाजीत और अश्वगंधा। इनको जो भी बंदे जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इनको हाफ हाफ टेबल स्पून रात में अराउंड आधा घंटा से एक घंटा सोने के पहले नॉर्मली डेली लेना शुरू कर दें। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है और बालों की कंडीशन इम्प्रूव करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। सबसे बेहतरीन मैनर थ्रू विच टेस्टोस्टेरोन कैन बी इम्प्रूव वो है सनलाइट। आप लोगों ने देखा होगा भाई लोग, जब भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, रिकमेंड करते हैं विटामिन डी टैबलेट्स। और विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स मिलता है 15 से 20 मिनट मॉर्निंग में अराउंड 9 से 11 के बीच में सनलाइट, जिससे टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। बेसिकली विटामिन डी हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में रहता है तो कॉर्टिजोल हार्मोन जो रहता है वो कम होने लग जाता है, और जैसे ही कॉर्टिजोल हार्मोन कम हुआ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने लग जाता है। इसके लिए हमको रूटीन में लेना पड़ेगा अराउंड 9 से लेके 11 के बीच में हमको सनलाइट 15-20 मिनट्स लेनी पड़ेगी और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करना होगा। थर्ड वे जिससे बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहता है, बूस्ट रहता है, वह है लीव स्ट्रेस फ्री लाइफ। आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, अनहैप्पी लाइफ हम बहुत ज़्यादा जीते हैं, जिसके कारण ही कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन डिक्रीज होने लग जाता है। इसी के कारण भाई लोग, भले ही ये डिप्रेशन, स्ट्रेस हम लोग का एकेडमिक हो या ऑफिशियल हो या पर्सनल हो, ट्राई करें स्ट्रेस कम लेने की। बेसिकली इसका एक ही आंसर हो सकता है, लिव विथ योर फैमिली, लिव विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, और एंटरटेनमेंट वाले शोज एज मच एज यू कैन वॉच वो देखना चाहिए। फोर्थ मैनर है भाई लोग,
थ्रू विच टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है वो है वर्कआउट। ट्राई करें वीकली 4 to 5 times एटलीस्ट 15 to 20 minutes की एक्सरसाइज जरूर करें, एक्सरसाइज वो भी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, जिससे नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा बूस्ट रहता है। प्लस लेग एक्सरसाइजेस, स्क्वेट्स, सुमो स्क्वेट्स को भी स्किप नहीं करना है, ये भी बहुत असेंशियल मैनर है जिससे हम लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेंस का बना रहता है। फिफ्थ नेचुरल वे जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल इम्पैक्ट होता है और इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है वो है फूड, न्यूट्रिशन। बेसिकली भाई लोग हम लोगों को एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। अगर टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना है तो जिंक रिच प्रोडक्ट्स, विटामिन डी रिच प्रोडक्ट्स, फैट्स रिच प्रोडक्ट्स हमको लेना है, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट में। चीज़, पनीर, दही, छाछ एज मच एज पॉसिबल आप ले सकते हैं। प्लस सेरल्स, लेंटिल्स, राजमा, मशरूम हमको लेना है प्रॉपर क्वांटिटी में, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बना रहे। प्लस मील्स को अगर पॉसिबल हो तो शुगर का इंटेक एज मच एज लेसर हो वो करना है, बिकॉज शुगर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इंसुलिन। जैसे जैसे शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर हम लोग का इंटेक बढ़ता है, वैसे ही वैसे इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती है। इंसुलिन बढ़ा तो टेस्टोस्टेरोन से बहुत ही ज़्यादा लिंक होता है और टेस्टोस्टेरोन गिरने लग जाता है। इसके साथ ही भाई लोग GMO फूड्स को भी हम लोगों को अवॉइड करना है। GMO फूड्स जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये फूड्स को बनाया जाता है इंक्रीज करने के प्रोडक्शन के लिए। बेसिकली सोयाबीन, कॉर्न्स, सेलमिन्स, पपाया, इनमें ये रहता है। अगर खा भी रहे हैं, आप ले भी रहे हैं, तो इनको ट्राई करें, लोकली आपके अवेलेबल हो जाए, जान पहचान वाले वेंडर से ही तो ही लें, बिकॉज ये प्रोडक्ट डायरेक्टली लिंक होता है एस्ट्रोजन इंक्रीज करने से। जैसे जैसे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन इंक्रीज होता है, टेस्टोस्टेरोन वैसे ही गिरता है। इसके साथ ही भाई लोग अल्कोहल जो भी बंदे ले रहे हैं, ट्राई करें स्किप करें, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ही लें, वो भी मैक्स टू मैक्स, बिकॉज इवन अल्कोहल लिंक होता है एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को इंक्रीज करने से के लिए। और जैसे जैसे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन इंक्रीज होता है, वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज करता है। छठा वे टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन नेचुरली वो है स्लीप वेल। भाई लोग पॉसिबल हो तो एटलीस्ट 7 to 8 hours की स्लीप हमको लेना ही है, बिकॉज जब भी हम अच्छी एक नींद लेते हैं तो हम लोग की मसल्स की डेफिनेशन भी अच्छी रहती है, प्लस हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ ज़्यादा अच्छे से जी पाते हैं। ट्राई करें जब भी आप सोने जा रहे हैं, पहला एक टाइम फिक्स कर रहे हैं कि इन बिटवीन दिस टाइम टू इन दिस टाइम हमको सोना है। प्लस एक एडवाइस ले लें मेरे से तो भाई लोग कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हाफ एन आवर बिफोर स्लीप अवॉइड ही करें। चलें भाई लोग आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा हो। अगर रहा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।